अरे क्या हुआ? हाँ पापा कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती। अरे तो क्या हुआ बच्चा, तू तो जहाँ भी पढ़ेगी वहीं पर। नहीं मैं और कहीं नहीं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी तो सिर्फ बॉम्बे में। बस बस मेरा बच्चा चुप हो जा, इतनी अच्छी बच्ची है ऐसे रोते थोड़ी है। बस बस सुबह तो इतनी देर से आँख खुली, मैं तो कुछ खास बना ही नहीं सकी नाश्ते के लिए, लेकिन शाम को आलू के पराठे पक्के। सीमा आज तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की? लेट इवनिंग है, शाम को 7:30 बजे रिपोर्ट करना है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये हिमानी कहाँ गई है? लो शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। इतनी देर से क्यों उठी है? तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ अरे भाई अब तो तू बंबई की होने जा रही है। अरे मैं तुम लोगों को बताने ही भूल गई, वो एक खुशखबरी है, टुप्पी की शादी होने वाली है। अच्छा कहाँ? भैया का फ़ोन आया था। हाँ लड़का शायद बॉम्बे का है। तुम लोग जानते हो उसे? नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम कहाँ जानते वो लड़का कौन है। कमाल है, लड़का बम्बई का है और आप लोगों को मालूम ही नहीं है। इसमें कमाल क्या, इसका उल्टा हुआ होता तो मैं कहता कमाल हो गया। लगता है कोई आया है। चलो भाई इतने सालों के बाद हमारे घर में कोई शादी होगी, अरे भाई खूब मजा आएगा। उन बागों को लेके भी कोई बात हुई? हाँ मैंने ऐसे फोन। आओ 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 बैठो, नाश्ता लोगे? नहीं नहीं। अरे हैव समथिंग। कॉफी लोगे? हाँ। ब्लैक? नहीं जीवन में कम काला थोड़ी है, दूध डाल दूंगा। टुप्पी से तो तुम मिले हो ना? टुप्पी वो भोपाल वाले भैया की लड़की? हाँ उसकी शादी तय हुई है। अच्छा किससे? लड़का बंबई का ही है कोई। बंबई का लड़का? हाँ लेकिन मैंने तो पता नहीं कोई और लड़का होगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? नहीं वो गिरीश भैया का फोन आया था 2-2.5 महीने पहले, मुझे लगा कि पता नहीं उनके पास मेरा नंबर कैसे आया, मुझे लगा कि आप लोगों ने दिया होगा। अरे नहीं हमें तो वो। अरे बड़े छुपे रुस्तम है बड़े भैया, खबर ना रखनी हो तो सामने देख के पलट जाते हैं और रखनी हो तो सब मालूम होता है। हाँ तो क्या हुआ फिर, फोन आया फिर? कह रहे थे कि टुप्पी के लिए लड़का देखा है, बम्बई का है, जाके पता करो उसके बारे में। तो मैंने खबर ली थी उसकी, वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, ऊपर की बहुत सारी कमाई है, हाथ साफ करते रहता है। लेकिन नहीं मेरे ख्याल से तो बड़े भैया जैसे भी हों लेकिन अपनी लड़की की शादी उससे हरगिज़ नहीं करेंगे जो घूस लेता हो। मैं क्या मेरे फरिश्ते भी शादी नहीं करेंगे उस घूस लेने वाले आदमी से? यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे घर वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी? तो क्या करें, फांसी दे दें उन लोगों को। आराम से आराम से। और फिर कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी किसी बेरोजगार के साथ शादी करे। बेरोजगार? अच्छा यार कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मेरी साइड पर हो या तुम्हारे उस विलन बाप की साइड पर हो। तुम मेरे पापों के बारे में कुछ मत कहो। तुम्हारे पड़ोस के भूतिया चाचा। भूतिया चाचा डर गए। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे डरपोक लड़की, प्यार करने के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए? अच्छा अभी छुप छुप के मिलती हूँ ना इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता, जिस दिन मिलना बंद कर दूंगी ना तब पता चलेगा। इतना बड़ा कलेजा चाहिए? इतना ही बड़ा कलेजा है तुम्हारा तो ले जाओ ना मुझे भगा कर। भगा के? अरे कहाँ ले जाऊँ, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे हम? नहीं नहीं क्यों, बड़ा कलेजा है ना तुम्हारा, प्यार तो तुमने भी किया है। देखो ताव मत दिलाओ, अभी मैं सीधे साधे तरीकों के बारे में सोच रहा हूँ, अगर ताव आ गया ना तो बीच शादी में से भगा के ले जाऊंगा तुमको। हाँ वाह कितना मजा आएगा, मैं दुल्हन के जोड़े में होंगी, तुम घोड़े पर आओगे और मुझे ले जाओगे। धत तेरे की, क्या सड़ा हुआ फिल्मी सीन बताया तुमने भी यार। अरे तुम्हें खिलाने को पैसा नहीं है, उस साले घोड़े को कहाँ से खिलाऊंगा मैं? देखो अनूप हाँ सीधे साधे तरीके से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो वरना वरना अगले जाड़ों तक हम अलग हो जाएंगे। तुम भी यार पता नहीं कहाँ से ये फिल्मी डायलॉग सीख करके आ जाती हो। अनूप क्या हुआ? तुम्हारी भाभी? भाभी? हाँ। अच्छा बेटा मेरी जूती मेरे ही सर। अरे नहीं सच कह रही हूँ, अगर उसने तुम्हारे चेहरा देख लिया ना तो तुम्हें पकड़ लेगी। गई तुम्हारी भाभी। मेरी मेरी क्यों इतना बड़ा कलेजा है ना तुम्हारा? देखो एक सेकंड के लिए तुम्हारी भी हवाइयां उड़ गई थी। बदमाश
ए? तू सीमा का ही लड़का है ना? हाँ नानी। टांग में क्या हुआ? वो टूट गई। देखा? ये क्या है? ऑटोग्राफ है। वो क्या होता है? होता है नानी, आप भी तो गिर गई थी ना सीढ़ियों से। पता है जब तू छोटा सा था तो तेरे नाना और मैं तेरे साथ ही रहते थे। हाँ पता है, मम्मी के पास जो एल्बम है ना उसमें आप दोनों ने मुझे गोद में लिया हुआ है। अच्छा? हाँ, और मम्मी जब भी वो फोटो किसी को दिखाती है ना तभी कहती है, देखो नाना ने सुमू को कैसे पकड़ा हुआ है, जैसे बच्चा नहीं कोई ट्रॉफी हो। हाँ हाँ, साथ साथ बच्चे हुए बाबू जी के, फिर भी उन्होंने बच्चे को खिलाना और बिठाना उन्होंने कभी नहीं सीखा। बच्चा ऐसे पकड़ते थे जैसे बस अभी सूसू कर देगा। एक बार मैं तेरी माँ को ले गई थी कमिश्नरी में, तो तेरी माँ इतनी सी थी फिद्दी सी, तो बाप को देख के मैं चलने लगी तो मैंने उसे बाबूजी की गोद में बिठा दिया। अब जाड़ों का जमाना था, बंडी वंडी डांट के आए थे कमिश्नर जी, सीमा ने बैठते ही उनकी गोद में सुसु कर दिया। उनको पता ही नहीं चला। शाम को जब वापस आए तो खिचीर खिचीर, क्या है खुद तो चली आती हो, बच्चों को भी साथ ले आती हो, मुझे अपनी बंडी पैंट दिखाने लगे। सारा दिन लोगों से छुपाए फिरा इसे, अखबार सामने रख रख कर। कितनी अच्छी लग रही होगी ना मेरी माँ, छोटी सी पिद्दी सी। सुन, तू वो जाके ले आ वो एल्बम। कौन सा? वो ये जिसमें हम दोनों की तेरे साथ फोटो है। वो यहाँ थोड़ी ना, वो तो दिल्ली में है। दिल्ली? दिल्ली में क्यों? तो और कहाँ होगा नानी, हम लोग दिल्ली में ही तो रहते हैं। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? नानी आपको कुछ हुआ है? मुझे क्या हुआ है? ये लोग बोल रहे थे आपको कुछ याद नहीं रहता। कौन बोल रहे थे? हरीश मामा। अरे उसे तो खुद ही कुछ याद नहीं रहता। सुन एक काम कर, वो देख रहा है ना वो संदूक पड़ा हुआ है वहाँ, वो जरा हाँ। उठा के मेरे पास ले। पर मैं कैसे लाऊं, मेरे पैर में तो फ्रैक्चर है। हाँ ठीक है मैं लाती हूँ। नहीं नानी आप गिर जाएंगी, आप मुझे बता दीजिए क्या लाना है उसमें से। पर तू कैसे जाएगा? एक मिनट। तू तो एकदम वो क्या कहते हैं इक्कड़ दुक्कड़ खेलने वालों की तरह उछल रहा है। इक्कड़ दुक्कड़ मैं जीता, इक्कड़ दुक्कड़ तुम्हारा। बोलो नानी क्या निकालना है इसमें से। वो है ना उसके अंदर एक एल्बम पड़ी है। ये वाली? हाँ हाँ ला ला ये ला। लीजिए। सारा कुनबा है मेरा इसमें। अरे नानी ये आप है ना? हाँ ये नाना। यहाँ ये देख, ये देख। उस दिन आशीष का जन्मदिन था, तेरे नाना ने उसको नया कैमरा दिया था, उसी से खींची है ये फोटो। आशीष मामा ना? हाँ। तुम्हें पता है नानी आशीष मामा के पास एक बहुत बढ़िया वीडियो कैमरा है, पर मुझे छूने ही नहीं देते। हाँ। आशीष ना हमेशा से ही ऐसा था, किसी को अपनी चीज छूने ही नहीं देता, बड़ा लगाव है उससे अपनी चीजों से। तो मैं इतना पजेसिव क्यों हूँ? पजेसिव? 70,000 रुपए की क्रॉकरी है मेरी जान, 70,000 प्योर क्रिस्टल, तुम्हारा वो फेक क्रिस्टल नहीं है जो सदर बाजार में मिलता है, जर्मनी से लाया था मैं और कितनी मुसीबतें उठा के यहाँ पहुंचा था। और आप कहती हैं कि रुबेना के यहाँ किटी पार्टी है, उसको दे दूं शाम दिखाने के लिए,
अरे अगर इतना ही शौक है तो वो खुद क्यों नहीं खरीद लेती है सब? ज्यादा मत उड़ो, तुमसे ज्यादा अच्छा बंगला है उसका। पता है, और ये भी पता है कि कितने करप्शन और धोखाधड़ी की कमाई लगी है उसके अंदर। जैसे तुम तो दूध के धुले हो। मैं सिर्फ उतना ही करता हूँ जितना इस साले करप्ट देश में करना जरूरी है जिंदा रहने के लिए। ऊंट की चमड़ी के नाम पे कुत्ते की चमड़ी नहीं लगाता मैं जूतों पे। प्लीज ये चमड़ी वमड़ी वाली बात मेरे सामने मत क्या करो। हाँ सब उसी चमड़ी का खाते मेरी जान। तुम्हारा ये हजारों रुपए फेंक के ब्यूटी पार्लर में बना चमकता चेहरा, तेरी गर्दन पे ये दमकते हुए हीरे लाखों के। देखो तुम्हारे पैसे के बगैर भी मैं अच्छी लग सकती हूँ। अरे इसको तो ठीक से डालो। मैं चाहूँ तो अभी दर्जनों को फंसा सकती हूँ, समझे? पार्टियों में मैंने देखा है कई कुत्तों को तुम्हारे पर लार टपकाते हुए। Stop using that foul language. लोगों के सामने तो ऐसे पेश आते हो जैसे ईटर में प्रिंस चार्ल्स के साथ पढ़ा करते थे, और यहाँ मेरे सामने आ जाते हो अपने असली औकात पे। Because I love you. फिर प्यार करने का यही तरीका है तुम्हारा? एक जरा सी क्रॉकरी क्या मांग ली? देखो आशा, इस घर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम दोनों की हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ तुम्हारी हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ मेरी हैं, और वो क्रिस्टल क्रॉकरी सिर्फ मेरी है। गेटिंग इट? ठीक है। तुम्हारी बहन आ रही है शाम की फ्लाइट से, मैं तो रुबीना की यहां होंगी, तुम्हें जाना पड़ेगा उसे एयरपोर्ट लेने। ड्राइवर को भेज दो। ड्राइवर मेरे साथ होगा ना? तुम्हारे साथ मतलब मैं एयरपोर्ट तक ड्राइव करके जाऊंगा? क्यों, ड्राइवर मेरा है, रिमेम्बर? मेरी फ्रेंड ने उसे दिलवाया था। और पैसे तो मैं देता हूँ उस हरामी को। लेकिन पैसे हम दोनों के हैं ना। ओके, मैं आज ही अपने लिए नया ड्राइवर लाता हूँ। ठीक है। एकदम बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। चंदा जी, चंदा साहब, जर्मनी से वो क्रॉकरी लाया थे ना क्रिस्टल वेयर? हाँ, जो ऊपर वाली शेल्फ में। हाँ वही वही, तो उसे नीचे उतार के रखना, मुझे रुबीना के यहाँ लेके जी। मैम साहब। जी शाम को सीमा और सोमू दोनों आ रहे हैं, तो उनका कमरा साफ करके रखना, और भीम बहादुर को कहना अच्छा सा खाना बनाए। जी मैम, जा जल्दी। बोलो क्या बात है? सुनो, अगर तुम्हें ठीक लगे ना तो ले जाना वो क्रॉकरी। अरे हंस क्यों रही हो? बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, मैं ड्राइवर भिजवा दूंगी, तुम कार चलाओगे तो कहीं स्क्रैच मार के ले आओगे। अच्छा, तुमसे तो अच्छा ही ड्राइवर हूं मैं। फिर हंस रही है, कमाल की औरत है, हंसाने के लिए जोक्स पे जोक्स सुनाओ हंसती नहीं है, और अनशंड बातों पे हंसने लग जाती है। चलो रखती हूँ फोन। देखो तो मम्मा ने कैसा मुंह बना रखा है। और ये मनीष मामा एकदम डाकू जैसे लग रहे हैं। हाँ, इसने ना इस पे सुल्ताना डाकू का रोल किया था, तो जब मरने का सीन आया तो मारने वाले की गोली ही नहीं चली। तेरे नाना इतने हंसे कि उन्हें खांसी का दौरा पड़ गया। मनीष बहुत गुस्सा हुआ था बाबूजी पर, कह रहा था कि तो सामने की सीट पर बैठे हो उस पे हंस रहे हो, आगे से कभी नहीं बुलाऊंगा तुम्हें। मोना मामी हा? दिखा दिखा। अच्छा, लड़की तो सुंदर है, तू मिला है इससे? नानी परसों तो आई थी वो, आप भी तो थे यहाँ पे। अच्छा, शादी करने से पहले हमें ये फोटो दिखा देती तो हम कोई मना थोड़ी करते थे भला शादी को। पर खैर चलो, आजकल का जमाना है, वही होता है जो वो चाहता है। भगवान इन दोनों को हमेशा सुखी रखे। पहली बार तुम्हारे घर आ रही हूं मैं। सीधे मुद्दे पर ही आ जाएं, या तुम मुझे कुछ ऑफर करना चाहोगी? चाय शाय, कॉफी शॉफी, ठंडा? क्या लोगी? कुछ नहीं, थैंक्स।
मनीष शाम को ही आने वाला है ना? तुमने मुझे यहां बुलाया क्यों है? मैं तुम्हें अपना घर दिखाना चाहती हूं। जब हमने शादी की थी तो मनीष के बैंक में 7,500 रुपए थे और मेरे बैंक में 2,90,000। तब हमने ये घर खरीदा था, आधा घर इधर उधर से मांगकर, एक्चुअली मेरे दोस्तों से मांगकर 3,50,000 में। फिर 5 साल बाद बगल का घर बिका तो हमने वो भी खरीद लिया और इस घर को एक बड़ा सा घर बना दिया। इस बार सारा पैसा मनीष ने दिया क्योंकि उसका पहला सीरियल हिट हो चुका था और मैं सारा काम धंधा छोड़कर घर बैठ चुकी थी। आज इस घर की कीमत है 56,00,000, लेकिन मेरे लिए इस घर की कीमत कुछ और ही है। मैंने यहां बहुत सपने देखे हैं रेवती। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो मोना? तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें यहां इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए बुलाया। जिसके पास इमोशंस ही नहीं उसे इमोशनली ब्लैकमेल कैसे करेगा कोई? मैं जाऊं? मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। तुम इस घर में आ जरूर गई हो लेकिन तुम्हें वापस जाना चाहिए और लौट कर कभी नहीं आना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी बातें तुम्हें मनीष से करनी चाहिए? वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारे इस घर में उसने भी तो कुछ सपने देखे होंगे। वो सुबह का भूला है, शाम को घर वापस लौट आएगा। तो फिर शाम होने में देर ही कितनी है, इंतजार कर लो ना उसका। इतना घबराती क्यों हो रेवती? जब घर टूटते हैं तो सपने टूटते हैं, जब सपने टूटते हैं तो सब खत्म हो जाता है, सब कुछ। मैं तुम्हें बता रही हूं कोई नहीं बचेगा, ना मैं, ना मनीष, ना ही तुम। प्लीज समय ही नाम, समय अस्तित्व, समय ही शक्ति, समय व्यक्तित्व, क्रोध समय है, प्यार समय भी।